देवेंद्र सिंह राठौर फॉर दादू की रसोई इज माय ब्रांड. दिस इज माय पैशन फॉर कुकिंग. आई एम डूइंग सिंस लास्ट 15-20 इयर्स. डियर माय डॉटर रीता, ये अभी की बात है मीन्स कोविड टाइम की. और माय फर्स्ट डिश दादू की रसोई में भी बिरयानी. उस वक्त लॉकडाउन था, बहुत रिस्ट्रिक्शन थे और पब्लिक भी परेशान थी. जो होटल्स बंद थे वो लोग कहीं से मंगा नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे. तो रिचा का सर्कल बड़ा है यहाँ, उसने ये चीज़ उन लोगों से कन्वे की और करीब 90 मेंबर्स उसको ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दादू की रसोई में कि मेनू कार्ड हमारा है, जो हमने दिया वो आपको खाना है. ट्यूसडे को मैं डिसाइड करता था आज क्या बनाना है. मान लो कि चिकन बनाना है, कौन सा चिकन बनाना है वो हमारी झा को बताया जाता था. वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती थी और वो उसका रेट पर प्लेट जो भी है, साथ में उसके राइस दिया जाता था या रुमाली रोटी या जो कुछ भी, उसका अप्लाई वगैरह करके वो रिले कर दिया जाता था. 90 में 10-15-20 और द लास्ट ऑर्डर वॉज ऑन फ्राइडे. तो लास्ट ऑर्डर फ्राइडे के बाद मुझे पता लगता था कि कितना चिकन क्या बनाना है क्या नहीं, वो उसके हिसाब से आई उस प्लान. ऑन संडे को बाय 1 o'clock इट वॉज डिलीवर्ड. मतलब पहले तो मैं जो ये पैकिंग में जो मिलते थे वही यूज़ करता था. फिर मैंने कहा ना कि जैसे ट्रायल करते जाते हो आपको पता होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो और कौन सा बेटर होगा, क्या करने से बेटर होगा. तो उस हिसाब से उसका भी नॉलेज लेके और समझ के और कितना कितना पोर्शन में मिला के रखना है वो करके और उसको बनाया. मसाले वो तो आपको भी पता है कि इन जनरल छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, ये सब होता है. लेकिन जैसे पान की जड़, समुद्री जाग और ऐसे कई हैं, और तो उनका भी मैंने उसमें साथ में मिश्रण किया. अगर आपको क्वालिटी देना है तो क्वालिटी यूज़ करना पड़ेगा.